नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पाककला चैनल पे। कल हम अब तक हमने सीखा दाल और चावल में हींग, हल्दी और अजवाइन और मेथी डालना। तो अरे अरे, कहीं जाइए मत, रुकिए, हम आपसे दो बात करना चाह रहे हैं। और आज बेशक है, ऑब्वियसली आज रोटी बनाना ही सीखेंगे, तो भाजी नहीं बनाएंगे। आप जो सोच रहे होंगे कि भाजी भाजी कर बनाएंगे, आज ऐसी रोटी बनाएंगे जो इसकी भाजी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आज हम मेथी की भाजी नहीं बनाएंगे, आज हम बथुआ की रोटी बनाएंगे। और ये बथुआ हमारे पेट के लिए बहुत लाभकारी है, गुणकारी है, जो कि हमारे पेट में होने वाले बैक्टीरिया को मारता है। और यह हमारी पाचन शक्ति की क्रिया को मजबूत करता है। तो मेथी की रोटी, बथुए की रोटी बनाने के लिए हमें सबसे पहले बथुए को साफ करना पड़ता है। बथुए को साफ करने के बाद उसको 5-6 पानी से धोकर फिर कुकर में, चाहे तो कुकर में नहीं तो भगोने में भी उसको बॉईल कर लें, और इतना बॉईल करें कि वो हाथ से मसलने पर एकदम सॉफ्टली ईजली मैश हो जाए। जब वो मैश होने लगे तब उसको आप ठंडा कर लीजिए और उसका पानी आप बिल्कुल मत फेंकिए। उसी पानी के साथ और बथुए के साथ जितना भी आटा आप उसमें गूंद सकते हैं गूंदिए, और उसमें डालेंगे हींग, थोड़ी सी अजवाइन, नमक, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और थोड़ा सा कुछ भी, आप बटर डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद उसको अच्छे से मैश करके, आटा गूंद करके उसको फिर चाहे तो आप तिकोने रोटी का आकार दें या फिर गोल रोटी का आकार दें, और उसको तावे पे सेक लें। चाहे तो घी का प्रयोग करें, जो आपको तेल पसंद हो। और ये खाने में चाय के साथ पूरे घर को पसंद आएंगी, आपके बच्चों को, बड़ों को, आपको। और ये आप अपने किटी पार्टी वगैरह में भी नाश्ते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा क्या था, बथुए की रोटी। ये बथुए की रोटी हमारे लिए, हमारे पेट के लिए इतनी गुणकारी होती है कि उसमें सारे बैक्टीरिया को मारने की ताकत होती है। और बथुआ जब तक हमारा ये मौसमी सब्जी है और ये सर्दी भर आती रहती है, तो इसको सर्दी भर जैसे कि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ये बथुआ खूब बाज़ार में मिलता और बहुत ही सस्ता मिलता है। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि हरी भाजी का सेवन जितना हो सके आप करें, ये आपको स्वस्थ रखेगा और साथ में सुंदर भी बनाएगा। तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रुकिए ना दो मिनट, अगर आपको कुछ पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और बेल पे पुश जरूर करें। नमस्कार।